जाते हैं। जी बस मैं अभी आया। खजान सिंह जी कहाँ हैं? वो भी साथ चलते तो। पता नहीं कुछ बता के ना गए। मैं आपके साथ चलता हूँ ना काका साहब। ठीक है हम आते हैं। आनंदी मैं भी तेरा काम कर दूंगा लेकिन मुझे रोटी बनाने को मत कहना। गोल गोल नहीं बनते मुझसे। नक्शा बना दूंगा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते बैठिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारी बच्ची के लिए किया उसके लिए मैं आपका जितना आभार करूं उतना कम है। मिस्टर सिंह आनंदी के विषय में मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी। कैसी बात है डॉक्टर साहब? अब तो वो ठीक है ना? और हम सबको पहचानने भी लगी है और आपने भी कहा है कि वो घर जा सकती है अब। जी हाँ मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आनंदी को लेकर सारी फिक्र खत्म हो चुकी है। नो मिस्टर सिंह अब भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए मिस्टर सिंह मैं आपको समझाता हूं। देखिए मिस्टर सिंह यहाँ पे हम डॉक्टर्स थे, ट्रेन नर्सेस थी, मॉडर्न मशीन्स थी, मॉडर्न ट्रीटमेंट था, लेकिन ये सब कुछ आपके गांव के अस्पताल में शायद संभव ना हो, इसलिए आप सबकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हमसे जो कुछ हो पाया हमने किया। इसके बाद आनंदी कैसी रहेगी ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने कांच के बर्तन या खिलौने देखे होंगे, जिस तरह हम उन्हें संभालते हैं वैसे ही हमें आनंदी को भी संभालना होगा। आज के बाद आनंदी कैसी रहेगी, उसका फ्यूचर, उसकी जिंदगी, ये सब आपके देखभाल पर निर्भर करता है मिस्टर सिंह। Excuse me, sir. वो बिल का पेमेंट करना है आपको। जी शाम तुम आनंदी के पास जाओ मैं आता हूं। आनंदी वार्ड नंबर 25। हाँ जी जी। आप ये बिल क्यों भर रहे हैं? मैं बस आ ही रहा था। सिस्टर आप ये पैसे इन्हें वापस कर दीजिए। ये बिल मैं ना। बहन जी आप बिल की रकम हमारे से लो। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ना आप इन्हें वापस दे दीजिए। मैं पैसे देता हूँ ना। आप लोग अपना हिसाब करते रहना मैं रसीद अभी बना के देती हूँ। ये सब आप क्यों कर रहे हैं संदीप जी? ये मेरी जिम्मेदारी है। फिर आप पहले वाला गरीब लाचार और नाम का खजान सिंह ना आराम है। जो हमारी मदद के लिए आपको भीख देनी पड़े। अपनी छोरी का इलाज का खर्चा उठाने की हैसियत हो गई है हमारी। आपको हमारी छोरी की सारी जिम्मेदारियों से छुट्टी दे दी मैंने आपको। अब कोई जरूरत ना है उसकी चिंता करने की आपको। आप लोगों के कारण
तुम्हारी छोरी मौत के मुंह में धकेल दी गई, वो तो ईश्वर की कृपा हो गई जब जान बच गई उसकी। और आप चाहो कि फिर से आपके साथ भेज दूं ताकि फिर से उसकी जान पर कोई जोखिम आ जावे ना? भैरव सिंह जी, इतना मुंह रखना हूं मैं? सुनिए, ये लीजिए। आनंदी हमारे साथ हमारे घर जावेगी, जो बात मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। रुकिए समधी साहब। आपने उस दिन कहा कि आनंदी अपने सासरे नहीं जाएगी, तो मैंने इस बात का बुरा नहीं माना। मैं समझ सकता हूं कि अपनी बेटी को जिंदगी और मौत के बीच झूलते देखकर एक पिता पर क्या बीतती है। आपने जो कुछ कहा वो गुस्से, दुख और अपनी बेटी को खो देने के डर से हार कर कहा, लेकिन जो हुआ समधी जी, उसका दुख हमें भी है। हमें भी रह रहकर यह बात सताती रहती है कि हमारे कारण आनंदी पर यह मुसीबत आई। लेकिन आप ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते समधी जी, कि आनंदी के लिए हमारा दुख हमारी चिंता दिखावा नहीं है, जैसा कि आप समझ रहे हैं। मैं कई दिनों से आपका बर्ताव देख रहा हूं। मैं कितनी बार आपसे कहूं, कैसे मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि आनंदी के लिए हमारा प्यार उतना ही है जितना जग्या के लिए है, बल्कि जग्या से ज्यादा प्यार और विश्वास हमें आनंदी पर है। देखिए समधी जी, ये समय आरोप लगाकर पुरानी बातों को निकालकर एक दूसरे से शिकायत करने का नहीं है। इस समय तो हमें मिलजुल कर ये सोचना चाहिए कि इतने बड़े हादसे के बाद हम आनंदी की देखरेख कैसे करें। बहुत बड़ा धक्का लगा उसे और उसकी छाप अभी तक उसके मन में है। समझी जी, हमारी मिलीजुली कोशिश से ही आनंदी ठीक और सामान्य हो पाएगी। और आप, मैं अपनी छोरी को संभाल सकता हूं भैरव सिंह जी, आपकी मदद की जरूरत ना है हमारे को। शायद ये भूल रहे हैं खजान सिंह जी, कि शादी के बाद बेटियां ससुराल की कहलाती हैं, मायके में तो वो सिर्फ मेहमान बनकर आती हैं। आनंदी आपके परिवार का हिस्सा थी, बेटी होने के नाते ये रिश्ता आपका उम्र भर रहेगा, लेकिन अब आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है। आनंदी हमारे परिवार का सिर्फ हिस्सा नहीं, बल्कि हमारा मान सम्मान शान सब कुछ है। और मैं आनंदी का सिर्फ ससुर नहीं बल्कि पिता भी हूं। और मेरा यह फैसला है कि आनंदी हमारे साथ हमारे घर जाएगी। ये फैसला अपनी हवेली में सुनाना भैरव सिंह जी, हमारी छोरी के जीवन का फैसला लेने का अधिकार अब आपको ना है। आनंदी के बापू क्या कर रहे हो? समधी साहब से इज्जत से बात करी जावे और आप जिद में आके इनसे। अरे इनकी ना सुनी तूने, ना सुनी तूने इनकी? बहुत इज्जत कर ली इन लोगों की, बहुत नाक रगड़ ली, पर अब ना भागो। कहीं गुस्से में आकर अपनी छोरी के जीवन को नरक बनाने पर तुले हुए हो। लाड़ो को जाना तो उसके सासरे ही है ना, जन्म भर पियर में तो ना रहेगी। मारे से बहस ना कर भागो, एक बार फैसला सुना दिया, आनंदी मारे साथ मारे घर जावेगी। तू जा और चुपचाप उसका सामान लेकर क्या, मैं भी कभी उसको लेकर जाऊंगा, इन लोगों की परछाई भी ना पड़ने दूंगा उस पर। बस कर।
करो आनंदी के बापू, कुछ भी अनाप शनाप ना निकालो अपने मुंह से। मुंह से के बोलो आप? भागो मारे मुंह मत लगवा। बस करो और मारी बात सुनो। आपको मारी सो एक सब भी संदिशा से कहा तुम्हारा मरा मुंह देखो गया। इस शहर से मारा दाह संस्कार करके अकेले वापस जाना आप, और वो भी ना करना है तो कोई बात ना, ये अकेले छोड़ के चले जाना मारे को। लावारिस लोगों का भी अग्नि संस्कार हो जावे ना, आप कुछ ना करना, ये अस्पताल वाले मारे को जला देवेंगे बस। जाओ आप जहां से आनंदी के बापू। आनंदी के बापू को माफ कर देना। ना समझन सा, ये अब क्या कह रही है? गुस्से में ना जाने के बोल गए, वो भूल गए कि छोरी की विदाई के बाद छोरी के माँ बापू का छोरी पे कोई हक ना होवे। बहुत बड़ी भूल हो गई उनसे। आज तक बहुत कुछ किया आप लोगों ने, बस उनकी जे एक भूल माफ कर देना। ना समझन सर, माफी मांगने की कोई जरूरत ना है। समझी सा को आनंदी की चिंता है इसीलिए, पर समझन सा आनंदी हमें भी उतनी ही प्यारी है जितनी आप। जी समधन सा, मैं खजान सिंह जी की पीड़ा को अच्छी तरह समझता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं उनकी किसी भी बात को अपने दिल से नहीं लगाऊंगा, और ना ही इन सब बातों की वजह से आनंदी के लिए हमारे प्यार में कोई कमी आएगी। ईश्वर का वरदान बनकर आए हो आप तो हमारी छोरी के जीवन में। अपना भी कहते तो भी जानू मैं कि आपके घर में मारी लाड़ों के लाड़ प्यार में कोई कमी ना होवेगी। आज्ञा दीजिए, जाना होगा हमारे को। समधन सा, जाते जाते आनंदी से तो मिल लीजिए। बस ये लास्ट चेकअप है तुम्हारा। Oh.
सारी लाड़ो अपने घर वापस जाएगी। अपना ध्यान रखना लाड़ो। भाई भी बखत तो लेना तू मैं भी अब अपने गांव वापस जाऊं डाड़ो। लेकिन तारी माँ को जाना पड़ेगा ना लाड़ो। लाड़ो चल सकती तो तारी बोलने की राह देखती के मैं। और जी माना है तो क्या हुआ? हाँ, तारी दूसरी माँ है ना, तारी सासु माँ। और फिर इतने सारे लोग हैं जो अरे लाड़ो का ध्यान रखने के लिए मिलने आऊंगी मैं लाड़ो। साची बापू के साथ आऊंगी मैं। माँ झूठ बोलने से क्या साची मैं ना भूलती है? चलो लाड़ो राम साहब पीर महाराज तारे को लंबी उम्र दे दे। चलिए टैक्सी आ गई है। आनंदी बेटा अपना ख्याल रखना, तुम्हारी बहुत याद आएगी।
ये तुम्हारे लिए। अच्छा है ना? मुझे याद करोगे ना? फोन करोगे? मेरा वक्त पर दवाई खाना, अपने घर वालों की बात हमेशा सुनना, और जब ठीक हो जाओ तो मुझे फोन करना, ठीक है ना? डॉक्टर साहब, आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स बीन माय ड्यूटी, डोंट वरी। आओ बेटा।